बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। एलजी को नए अधिकारों पर अधिसूचना की जारी। दिल्ली में उपराज्यपाल को सरकार का दर्जा। जीएनसीटी एक्ट में संशोधन कर एलजी को मिले नए अधिकार। केंद्र सरकार ने नए कानून पर अधिसूचना की जारी। आपको बता दें कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना कोई भी कार्यकारी कदम नहीं उठाया जा सकेगा। दिल्ली की सरकार को उपराज्यपाल से लेनी होगी अनुमति। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। एलजी को नए अधिकारों पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। दिल्ली में उपराज्यपाल को मिला सरकार का दर्जा। जीएनसीटी एक्ट में संशोधन कर एलजी को मिले नए अधिकार। केंद्र सरकार ने नए कानून पर अधिसूचना की जारी। उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाया जा सकेगा। दिल्ली की सरकार को अब उपराज्यपाल से लेनी होगी अनुमति। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में दिल्ली से संवाददाता गौरव शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, जानना चाहेंगे जीएनसीटी एक्ट में संशोधन कर अब एलजी को नए अधिकार मिल चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि यह जो प्रस्ताव है 22 मार्च को ही अभी हाल ही में पारित किया गया था, 24 मार्च को राज्यसभा में पारित हो गया। तो राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के बाद संशोधन जो है वह राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होने के बाद अब ये 27 अप्रैल को कल दिल्ली में अधिसूचना जारी कर दी गई और अब यह आज से लागू हो गया है। इस संविधान संशोधन के तहत अब जो सारे अधिकार हैं वो एलजी की तरफ उठ चुके हैं। दिल्ली में अब सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल। अब दिल्ली सरकार को कोई भी विधायी प्रस्ताव पारित करते हैं तो कम से कम 15 दिन पहले उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजने होंगे और वहीं प्रशासनिक प्रस्ताव के लिए 7 दिन पहले सहमति लेना जरूरी होगा। यानी कि अब एलजी से पूछे बिना दिल्ली सरकार अपना निर्णय नहीं ले पाएगी और यह निर्णय तब आया है जब केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव चल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट कल ही ये बात कह चुका है कि अगर आपने हालात पर निर्णय नहीं लिए तो हम केंद्र को सारी शक्ति सौंप देंगे। तो यह जो निर्णय आज लिया गया है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यह कल के जो हाईकोर्ट के निर्णय है उससे प्रभावित है। उसी के कारण केंद्र ने यह अधिसूचना जारी की है और अब विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति सारी उपराज्यपाल के पास चली गई है। जी बिल्कुल। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि इस निर्णय की हालांकि केजरीवाल सरकार और उनके तमाम मंत्रियों द्वारा विरोध भी किया जा रहा था, तो अब आपको क्या लगता है कि दिल्ली की सरकार और केजरीवाल और उनके तमाम जो मंत्री हैं क्या वो अब इसका भी विरोध कर सकते हैं? जी निश्चित रूप से उमंग, मैं बताना चाहूंगा जिस दिन से ये प्रस्ताव लाया गया था उसी दिन से इसका विरोध शुरू हो गया था। इवन जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार है, उसने तो इसे दिल्ली की जनता का अपमान भी बताया था, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली में बहुत ज्यादा बहुमत के साथ केजरीवाल सरकार आई थी और केजरीवाल सरकार के पास सारा बहुमत होने के बाद भी अब केंद्र के द्वारा जो उपराज्यपाल जो नियुक्त किए जाते हैं उनके पास अगर शक्तियां चली जाती है तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति रहेगी। और पहले भी हम देख चुके हैं कि दिल्ली के हालात क्या रहते हैं। उपराज्यपाल से दिल्ली सरकार की कभी भी नहीं बनी है, समय समय पर इनके बीच में टकराव रहता है और कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि दिल्ली सरकार जो है वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। लेकिन इस विषय में कोर्ट ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अब संशोधन किया गया है, उपराज्यपाल को शक्तियां दी गई हैं, वो कानून के अधीन है, कानून के अनुसार है। तो इसलिए हालांकि कदम कोई भी कुछ उठाया जाए लेकिन यह सारा विधायी शासन के अनुसार हो रहा है, इसलिए बातों की लड़ाई हो सकती है, जो है कोर्ट की लड़ाई में अब दिल्ली सरकार नहीं जीत सकती। जी बिल्कुल गौरव, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ही होगी कि दिल्ली सरकार और उसके जो तमाम जो मंत्रीगण हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो किस प्रकार से इस फैसले को लेते हैं। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए गौरव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।